अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। राबी फारिस को छोड़कर चली जाती है, फारिस का दिल टूट जाता है और जिसके लिए उसने इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी होती है और जिसके लिए अपना घर तक बर्बाद करने चला था, अपनी माँ को दुख देने चला था, वही उसे छोड़कर चली जाती है। फारिस को यकीन आ जाता है राबी की फितरत में ही बेवफाई है और उसने एक बार फिर फारिस को धोखा दिया और उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। इसलिए वो वापस युसरा की तरफ आ जाता है और युसरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है वो उसे माफ़ कर दे और यूँ उनके हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। फारिस की माँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं और उसके बेटे और युसरा में निभ रही है। युसरा भी इसे अपनी खुश नसीबी समझने लग जाती है कि फारिस के उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, लेकिन आने वाले अक्सात में आप ये देखेंगे जैसे ही फारिस की एक बार फिर से राबी के साथ आमना सामना होगा और जब राबी उसे बताएगी कि उसने अपनी बहन की खातर उसे छोड़ा है तो उसके कदम एक बार फिर डगमगा जाएंगे और वह एक बार फिर से राबी से शादी करने को तैयार हो जाएगा। युसरा अपनी सास से कहती है कि राबी फारिस की ज़िंदगी से कभी गई ही नहीं थी और वो अब भी उसके ख्यालों में है और वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मैं तो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती का सौदा हूँ।